अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए फ्राइड डेविल्स एग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत सिंपल रेसिपी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। इसको आप एज ए स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो शाम की चाय पे भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसके इन्ग्रीडियंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 5 अदद मैंने अंडे लिए थे, उनको हार्ड बॉयल कर लिया था। मेयोनीज चाहिए हमें 3 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट है 1 टीस्पून, एक अदद अंडा है, आधा कप मैदा लिया है, आधा कप ब्रेड क्रम्स है, सॉल्ट लिया है 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और एक कोरिएंडर लीव्स हैं 1 टेबल स्पून। इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। सबसे पहले हम अंडों को इस तरह से कट कर लेंगे, आधा कट करेंगे। सारे अंडों को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। उसके बाद हम इसकी जो जर्दियाँ हैं उसे अलग कर लेंगे, एहतियात से कि अंडे जो हैं वो टूटे नहीं। सारी जर्दियों को मैं अलग कर लूँगी। सर्दियों को अलग करने के बाद कांटे की मदद से इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छे से, सारी सर्दियों को। अच्छे से मैश कर लें, इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर मेयोनीज ऐड करेंगे। के बाद मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे और बाकी के तमाम जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे इसके अंदर। व्यूअर्स, नमक इसके अंदर ज़रा ध्यान से ऐड करिएगा, क्योंकि मेयोनीज के अंदर भी नमक होता है और मस्टर्ड के अंदर भी नमक होता है। तो सॉल्ट अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। चाहें तो लास्ट में ऐड करें थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद, जितना आपको पसंद हो उतना उतना ही ऐड करें इसके अंदर। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने भी लम्स हैं कोशिश करिएगा इसके ख़त्म हो जाए लम्स, एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाइए। और इसको हम साइड पर रख लेंगे। अंडे को मैंने फेंट लिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो अंडे हमने कट करके रखे थे उसको हम मैदे में डस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको इस पर अंडा लगाएंगे अच्छे से, और इसको फिर हम ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। हल्की आँच से कोट करिएगा। बहुत हल्के से हम लगा लेंगे इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स इस तरह से, और इसको हम साइड पे प्लेट पे रख देते हैं। एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। पहले हम मैदा लगाएंगे, फिर हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इसको, और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। और मैंने दूसरी तरफ तेल जो है गर्म करने के लिए रख दिया। इसको हमें डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पर मैं रख चुकी हूँ पहले से। अब मैं तमाम जो अंडे हैं उन सबको कोट कर लूँगी। ये देखिए, इन सबको मैंने कोट कर लिया था अच्छी तरीके से। अब अंडों को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तकरीबन 1 से 2 मिनट में फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और जो बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। सर्दियों के दिन हैं तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेहमान आए तो आप लोग आराम से इसको बना के दे सकते हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। सारे इंग्रेडिएंट्स ही घर के अंदर मौजूद होते हैं। ये देखिए, फ़ौरन से ही कलर आ गया इसमें और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको फ्राई होने में। बस इसको आप मतलब टर्न करते रहिएगा, देखते रहिएगा, जब चारों तरफ अच्छे से कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया था तो इसको मैंने निकाल दिया है और मैंने इस तरह से इसको प्लेट में सेट कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने जो ये पेस्ट बनाया था अंडे की जर्दियों का, उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था और एक नोज़ल लगा दिया है, स्टार नोज़ल। और इस तरह से मैं पाइप कर लूँगी इसको। आप लोग चाहें तो स्पून के साथ भी ये कर सकते हैं, स्पून के साथ आप रख सकते हैं,
या आप लोग चाहें तो पाइपिंग बैग जिस तरह मैं कर रही हूँ उस तरह भी आप कर सकते हैं, जो आप लोगों को सहूलत हो उसी तरह से बनाया करें। ये देखिए, अब ऊपर थोड़ा सा मैं हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, और थोड़ी सी लाल मिर्च है उसको भी मैं हल्का सा स्प्रिंकल कर दूंगी। अच्छी प्रेजेंटेशन हो तो सभी का खाने का दिल चाहता है, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी किया करें, मेहमानों को सर्व करें या फैमिली मेम्बर्स को सर्व करें तब भी। ये देखिए रेडी हो गए हैं, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पार्टी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप अफ्तार पार्टी में सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी आप लोग दे सकते हैं। बहुत सिंपल और क्विक रेसिपी है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया था बॉईल 1 कप, और उसको श्रेड कर लिया था। कैप्सिकम चाहिए हमें 1 कप, उसे मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। हरा धनिया है हमारे पास 1/4 कप। 2 अदद हमें अंडे चाहिए बॉयल हुए हुए, और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। इसके अलावा हमें नमक चाहिए 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट चाहिए होगा 1 टीस्पून, मेयोनीज है हमारे पास 1 कप। इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे, उसके अंदर हम मेयोनीज निकाल लेंगे 1 कप। अच्छा, मैं इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ, अगर आप लोगों को इसका फ्लेवर नहीं पसंद आता है तो आप लोग नहीं ऐड करिएगा। तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और पेस्ट ना हो तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर काली मिर्च और नमक डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी और बॉयल अंडे ऐड कर दूंगी, कैप्सिकम ऐड कर देंगे, हरा धनिया भी ऐड कर देंगे, और ये चारों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसके अंदर मैंने कैप्सिकम भी ऐड कर दी है और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बहुत मज़ेदार सा मिक्सचर बनता है ये सैंडविचेस, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये। अगर आप लोग रमज़ानों में फ्राइंग फूड से बोर हो गए हैं तो ये आइडियल है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अफ्तार में। तो देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, तो मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ले ली थी और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी मोटी लेयर लगाइएगा ज़रा अच्छे से, अच्छी तरीके से लगा लें इसको। फिर दूसरा स्लाइस जो है स्लाइस से हम इसको कवर कर देंगे, और मैं इसके कॉर्नर्स कट नहीं कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लोगों को अगर पसंद है तो आप लोग इसके कॉर्नर्स जो है वो कट कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं होते, उसके आप क्रम्स वगैरह बना के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके कॉर्नर्स नहीं कट कर रही हूँ। सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए, अब इसको मैं कट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो घर में मौजूद होते हैं हर वक्त, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते हैं और सभी की फेवरेट होती है ये, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने व्हाइट वाले चने ले लिए थे 1/2 किलो, और इनको लेके भिगो के फिर मैंने बॉईल भी कर लिया था। और आलू चाहिए हमें 4 अदद, उनको मैंने बॉईल करके कट कर लिया क्यूब्स में। इसके अलावा हमें हरा धनिया चाहिए 1/2 कप। हरी मिर्चें हैं हमारे पास 4 अदद, उसे मैंने कट कर लिया था। 1 कप टमाटर है हमारे पास, चॉप कर लिया है। प्याज है मैंने 1/2 कप, और उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। इमली का पल्प चाहिए होगा हमें 1/2 कप। लेमन जूस है हमारे पास 3 टेबल स्पून। नमक चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। चाट मसाला है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून।
अच्छा, इसमें जितनी भी तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जितना बताया आप उतना ही ऐड करें। अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। तो मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है, उसके अंदर चने जो थे वो ऐड कर दिए हैं और आलू भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैं प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को पसंद है, हमारी फैमिली में ज़्यादा खाई जाती है, अच्छी लगती है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में तमाम मसाले और इमली का पल्प और नींबू मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो बड़ा बाउल ले लीजिएगा जिसमें आप आसानी से इसको मिक्स कर सकें इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, इसको इसकी जो सर्विंग होती है, कुछ लोग इसको पापड़ी के साथ सर्व करते हैं और कुछ लोग इसको दही और पापड़ी के साथ सर्व करते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेसिक चीज़ है, इसको दो तीन तरीक़ों से खाया जाता है और कुछ लोग इसी तरह से ड्राई इसको सर्व किया जाता है कि इसी तरह से, मतलब आप ड्राई आप सारे लवाजमत आप टेबल पर सेट कर दें, पापड़ी, दही वगैरह, दही बड़े, और उसके साथ ही सर्व की जाती है, तो सब अपनी मर्ज़ी से प्लेट्स बना के खा लेते हैं। तो मतलब ये दो तीन तरीके हैं इसको खाने के, इसको एंजॉय करने के, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं आपको सिंपल रेसिपी बता रही हूँ ये। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमेशा जब भी आपको बनाना है, आप क्या कहते हैं, 1 घंटे पहले इस तमाम चीज़ें मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि इसमें कच्ची प्याज होती है और इसको आप रख नहीं सकते हैं, प्याज ख़राब हो जाती है, गर्मियां हैं इस वजह से। तो बस इतनी ही बनाए जितनी बस बने और वो उसी वक्त ख़त्म हो जाए। तो देखिए, बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल लूँगी, और मैंने बाउल में निकाल लिया है। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। आज आप लोगों के लिए मैं स्पैगेटी कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसको आप अपने रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार कटलेट्स बनते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएंगे, क्विक बन जाते हैं, और सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में मौजूद होते हैं। तो चलिए, ये हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 2 कप स्पैगेटी ली है बॉयल, बॉयल करने के बाद इसको आप मेजर कर लीजिएगा। आधा कप कैबेज है, बंद गोभी इसको बारीक कट कर लिया था, गाजर ली है आधा कप इसको भी बारीक कट कर लिया है, और ये शिमला मिर्च है 1/4 कप उसको भी मैंने बारीक डाइस कर लिया था। आधा कप हमें मेयोनीज चाहिए होगा, बॉयल्ड चिकन चाहिए हमें 1 कप, नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स हैं हमारे पास 1.5 टीस्पून, चिकन पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। तो हम सबसे पहले मेयोनीज लेंगे, उसके अंदर ये तमाम जो स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप लोग अगर मिर्ची कम खाना पसंद करते हैं तो आप लोग इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड करा है, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो बाद में हमें बाकी चीज़ों में उसको मिक्स करना आसान रहेगा। तो अब हमने स्पेगली ले ली है, उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, और इसमें हम सारी सब्जियां जो हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे। तब सब्जियों को हम अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मेयोनीज ऐड कर देंगे, सारा मेयोनीज ऐड करने के बाद हम इसको हाथों से बहुत अच्छे से क्या कहते हैं मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हाथों से ये मिक्स कीजिएगा, ये स्पैचुला ये स्पून से नहीं हो सकता है, आपको हाथ से हाथ ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वैसे बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाती है, मेयोनीज हमने इसलिए ऐड किया था इसके अंदर, और किसी चीज़ की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाइंड करने के लिए। तो ये हमारा कटलेट्स का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होगी, मैंने फ्रेश बनाए थे, और इसके अंदर मैं और कोई चीज़ नहीं ऐड कर रही हूँ, मतलब अंडा वगैरह हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये खुद इतना स्टिकी है, ये आराम से जो ब्रेड क्रम्स है इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने हाथ पे बॉल बना लेना है और ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, और आपको जो शेप पसंद हो आप दे सकते हैं। मैं जो शामी कबाब का हमारा शेप होता है, मैं बस उसी शेप में इसको बना रही हूँ। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आपको इसको हाथ से थोड़ा सा सेट करना होगा ताकि आपकी जो स्पेगेटी है वो खुले नहीं। अब मैं सारे कटलेट्स इस तरह से तैयार करके रख लूँगी। ये देखिए, सारे मैंने कटलेट्स तैयार कर लिए हैं, तकरीबन 10 कटलेट्स हमारे तैयार हुए हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया था, इसको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, और इसको आप शैलो फ्राई ही करिएगा।
थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको मैंने कटलेट्स बनाने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि और मज़ीद सेट हो जाए, जो ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो आप लोग भी रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए। अब हम इसको दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। एक तरफ जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा तब हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। और इससे पहले इसको हिलाइएगा नहीं क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं जब गर्म हो जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें मेयोनीज ऐड करा तो वो मेल्ट होने लगता है। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोग बहुत ही मज़े के बनते हैं, अंदर से बहुत जूसी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो एक तरफ कलर आ गया, अब इसको मैं टर्न कर रही हूँ एहतियात से ही, तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ये, तो आप लोग भी एहतियात से इसको टर्न कीजिएगा। तो मैं नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा इसको टर्न कर लूँगी और दूसरी तरफ से भी इतना ही गोल्डन कलर हम इसको दे लेंगे। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं और अब इसको मैं निकाल लूँगी और ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। तो मैंने सारे ही निकाल लिए हैं और आई होप आप लोगों को समझ में आई हो रेसिपी, पसंद आई हो तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कैसी लगी है रेसिपी। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ अंदर से, ये देखिए अंदर से कितने मज़ेदार लग रहे हैं, सब काफ़ी गर्म है। और तो मैंने सोचा आप लोगों को अंदर का टेक्सचर दिखाऊँ, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बार बार कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों को बहुत पसंद है। आज मैं फ्रेंच फ्राइज लवर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ चिली पोटैटोज़ की, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। जिसे भी फ्रेंच फ्राइज पसंद है उसे ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे जल्दी से दीजिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 अदद मैंने आलू लिए थे, बड़े साइज़ के लिए हैं ये, और उसको मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह इसको कट कर लिया है और उसको मैंने नमक वाले पानी में डिप करके रखा हुआ है। इसके अलावा हमें आधा कप मैदा चाहिए और 2 टेबलस्पून इसी के अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया हुआ है। कैप्सिकम है 1 अदद, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। ग्रीन चिलीज है हमारे पास 3 अदद, इसको भी मैंने कट कर लिया था। इसके अलावा हमें कैचअप चाहिए, चिली गार्लिक कैचअप लिया है मैंने 4 टेबलस्पून। गार्लिक लिया है 1 टेबलस्पून, इसको फाइन चॉप करिएगा और फ्रेश ही लीजिएगा। तिल है हमारे पास सफ़ेद तिल 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून। सॉल्ट है 1/2 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून। कॉर्नफ्लोर है 1 टीस्पून। सोया सॉस है हमारे पास 2 टेबलस्पून। सबसे पहले हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे, उसके लिए मैंने आलू को पानी में डिप करके रखा था, पानी सारा मैंने फेंक दिया है। और मैदा और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करूँगी अच्छे से और इसके अंदर तकरीबन आधा मैंने इसके अंदर ऐड किया और हाथ से इसको इस तरह से हम टॉस कर लेंगे ताकि जितना मैदा और कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर चिपक जाए अच्छे से। अब मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया, इसके बाद इसको मैं अच्छे से टॉस कर लूँगी। इससे क्या होगा, हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, हमें क्रिस्पी ही चाहिए क्योंकि हमें इसका सॉस वगैरह बनाना है। ये देखिए इस तरह से हो जाएंगी, अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए इसके ऊपर, ये देखिए। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। पहले से मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करके रख दिया था, गर्म करने के लिए रख दिया था सॉरी, और सारी फ्रेंच फ्राइज़ मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसको हम बस फ्राई होने तक इसका वेट करेंगे, जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, सभी को आती है फ्रेंच फ्राइज़ बनानी। बस गोल्डन ब्राउन होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। मुझे क्रिस्पी पसंद है, अगर आप लोगों को नरम पसंद है तो आप लोग नरम भी इसको मतलब पहले उतार सकते हैं, मुझे ज़रा गोल्डन पसंद है। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई होने में। ये देखिए मुझे यही कलर चाहिए था, अब मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। उसके अंदर हम गार्लिक ऐड कर देंगे, गार्लिक इसके अंदर फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा, पेस्ट नहीं यूज़ कीजिएगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है हमें। उसके बाद इसके अंदर मैंने तिल ऐड कर दिए हैं
और थोड़े से तिल मैंने गार्निश के लिए बचा लिए हैं उसी के अंदर से। ग्रीन चिलीज ऐड कर दी इसके बाद, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और केचप भी इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से, बस चंद सेकंड के लिए हमें इसको कुक करना है। इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लें अच्छे से, बहुत मज़े का सॉस बनता है ये। कैप्सिकम भी इसी के साथ मैंने ऐड कर दी है और बस इसको मिक्स करेंगे। और इसको ज़्यादा मुझे कुक नहीं करना है, कैप्सिकम को क्रिस्पी ही रखनी है, तो मैं ज़्यादा नहीं पकाया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, तकरीबन आधे कप के बराबर। पानी को बॉईल आने दें, ज़रा पक जाइए। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम पकाएंगे इसको। अब जो कॉर्नफ्लोर मैंने रखा था 1 टीस्पून, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी, जिससे ये थिक हो जाएगा इसका जो सॉस है। थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेगा कॉर्नफ्लोर, एकदम से सारा नहीं डाल दीजिएगा। मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ही ऐड करा है, सारा ही इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये देखिए बॉईल आ गया है, थिक हो गया है सॉस हमारा, और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये सॉस इस स्टेज पे। इसके अंदर हम फ्रेंच फ्राइज ऐड करेंगे और फ्रेंच फ्राइज को हमें कुक नहीं करना है, स्टोव ऑफ कर दें आप। और उसके बाद इसको बस हमें टॉस करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, नहीं तो फ्रेंच फ्राइज जो हैं वो नरम हो जाती हैं तो खाने में मज़ा नहीं आता है। बस ये रेडी है, इसको मैंने डिश आउट कर लिया था। इसे आप जब भी बनाएं इसको गरम गरम ही सर्व करें, इसको रखिएगा नहीं। और मतलब जब भी आपको खाना है बस इसको 5 मिनट ही लगते हैं, 5-7 मिनट इसको, अगर आपके पास फ्रेंच फ्राइज रेडी हैं तो ये जल्दी से बन जाता है और इसको आप सर्व कर सकते हैं। थोड़े से तिल हैं इसके ऊपर, मैं गार्निश कर रही हूँ उससे, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनी थी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबके घरों में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार पकोड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, मैगी के पकोड़े। और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत कम वक्त में तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर, तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैगी, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, नूडल्स ले ली थी 1 पैकेट मैंने, कैप्सिकम ले ली थी मैंने 4 टेबल स्पून, उसको बारीक चॉप कर लिया है। अनियन चाहिए हमें एक मीडियम साइज़ की, उसको चॉप कर लिया था। एक अदद हरी मिर्च ले ली थी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। बेसन है हमारे पास 3 टेबल स्पून, और उसके साथ है चावल का आटा 1 टेबल स्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं, और ये क्यूमिन पाउडर है 1/2 टीस्पून। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा ये टेस्ट मेट, और ये जो पैकेट से निकलता है नूडल्स के, वही मैंने लिया। ये अचारी मस्ती फ्लेवर है कनौर का, तो मैंने ये वाला फ्लेवर लिया, इससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाता है। अब एक मैंने बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने मैगी ऐड कर दिया है। मैगी को अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल किया, हल्की सी कसर छोड़ी थी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा फुल कुक नहीं करना है। इसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्ची और शिमला मिर्च शामिल कर दी है, और बाकी जो स्पाइसेस हैं वो इसी के अंदर मैं डाल दूंगी। बेसन और चावल का आटा भी इसी में ऐड कर देंगे हम, सारी चीज़ें इसी के अंदर ऐड करनी है, टेस्ट मेट भी इसी के अंदर डाल देना। अब मैं इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं अच्छे से। और इसको मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी लूँगी, पानी अच्छे इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही डालिएगा। मैं 1-1 टेबल स्पून करके इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि हमें इसका बहुत थिक सा मिक्सचर बनाना है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आप डालते रहें, और देखते रहिएगा कि ये पतला ना हो जाए, नहीं तो आपके पकौड़े जो हैं वो सही नहीं बनेंगे। तो ये थोड़ा सा जुड़ा जुड़ा सा होगा, काफ़ी थिक होगा इसका मतलब मिक्सचर। बस मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। और पानी अच्छा से ही डालिएगा, अगर आपने थोड़ा भी ज़्यादा पानी डाल दिया और ये रनी हुआ इसका मिक्सचर, तो आपके जो पकोड़े हैं वो फैल जाएंगे, वो सही से नहीं बनेंगे। तो ये देखिए किस तरह से हो गया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया था, और इसको हमें हाथ में लेना है, और हाथों में ही थोड़ा सा शेप देना है राउंड, और इसको हमें कढ़ाई में शामिल कर देना है। इस तरह से मैं तमाम पकौड़े इसके अंदर डाल दूंगी।
बस ये फ्राई हो रहे हैं, और फ्राई होते हुए आपको एक बात का ख्याल रखना है, जब आप ये कढ़ाई में डाल दें सारे पकोड़े, जब तक इस पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता, जब तक आप इसको टर्न नहीं करेगा, नहीं तो ये फैल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बेसन वगैरह जो है बहुत बहुत कम है, इस वजह से जब इस पर कलर आ जाए तब आप इसको पलट सकते हैं, नहीं तो ये फैल जाएंगे। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाते हैं, जैसे ही फ्राई हो जाएंगे मैं निकाल लूँगी इसे। तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी से मैगी पकौड़ा रेडी हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे, और आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, झटपट तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे बनाने में। अंदर से इसका टेक्सचर देख लीजिए, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ।